वेलकम बैक अगेन एंड वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। स्पेसिफिकली अभी आज मैं आपको थोड़े से न्यूमेरिकल सिखाने वाला हूँ टेक्स्ट बुक में से, सोल्ड एज वेल एज अनसोल्ड। हमने सीखे हुए गेस के लॉस, आइडियल गैस इक्वेशन, क्या क्या सीख रखा है, ओके, गैस लॉस दैट इज बॉयल्स लॉ एंड ऑल दोस, ओके, आइडियल गैस इक्वेशन, उसके बेस पे हम अभी डाल्टन्स लॉ अभी सीखा हमने, सीखेंगे एंड वी आर गोइंग टू यूज दिस डिफरेंट फॉर्मुलास, उसके बेस पे थोड़े से न्यूमेरिकल करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5.4 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। इट सेज दैट अ नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन्स 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन एंड 167.5 ग्राम नियॉन। देखो वो ऐसा बता रहे कि एक कंटेनर के अंदर उन्होंने नियॉन डाल रखा है एंड डाइऑक्सीजन डाल रखा है। एक कंटेनर के अंदर ये दो चीजें डाल रखी है। That's what they are saying. सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी आपको क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन में से आपको समझने का इंटरप्रेट करने का क्या दे रखा है। इट कंटेन्स व्हाट? दे से 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन, मतलब डाइऑक्सीजन कैन आई राइट O2। दे सेड इसका मास, मैं उसको गैस वन बोलूंगा, उसका मास M1 दे रखा था 70.6 ग्राम एंड देन दे सेड सेकंड गैस वाज नियॉन और उसका मास दे रखा था नियॉन के लिए मास M2 इक्वल्स टू 167.5 ग्राम। ठीक है एंड द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस इन द सिलेंडर इज 25 बार। प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस इन दिस सिलेंडर इज 25 बार। ये 25 बार जो प्रेशर है किसका है? मिक्सचर ऑफ द गैसेस। किसका है? मिक्सचर ऑफ द गैसेस। तो दिस प्रेशर वाज नॉट द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इट वाज नॉट द प्रेशर ऑफ नियॉन, इट वाज द प्रेशर ऑफ कंबाइंड दोनों का था और वी राइट पी टोटल। पी टोटल इक्वल्स टू 25 बार। ओके देन दे आर सेइंग व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइऑक्सीजन एंड नियॉन इन द मिक्सचर, मतलब डाइऑक्सीजन O2 का प्रेशर कितना है, वी हैव टू फाइंड आउट नियॉन का प्रेशर कितना है। इन अनदर वर्ड हमें फाइंड करना है P1 कितना है। जो डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन थी, अगर हमें P1 फाइंड करना है तो P1 के लिए फॉर्मूला होता है ओके मोल फ्रैक्शन ऑफ X1 इनटू पी टोटल, ये सीखा हमने। P2 के लिए फॉर्मूला होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ X2 इनटू। तो इन दैट केस व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट, मेरे पास टोटल P पता है दोनों के लिए, P1 एंड P2 चाहिए, तो P1 P2 फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, X1 क्या है और X2 क्या है। अच्छा X1 और X2 क्या होते हैं? मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन इज व्हाट, मोल्स अपॉन टोटल। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, इसके मोल्स फाइंड करूंगा N1। N1 होता है ओके मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन था तो मास ऑफ O2 ओके ये है 70.6 मास ऑफ O2 होता है मॉलिक्यूलर मास 32। कैन यू गेट मी दिस आंसर, हाउ मच इज दैट, 2.20। ओके सेम वे व्हाट आर वी गोइंग टू डू, इसका मोल्स फाइंड करेंगे N2 इक्वल्स टू M2 अपन मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ne 167.5। नियॉन का मॉलिक्यूलर मास होता है 20, हाउ मच इज द आंसर 375। एक बार हमें दोनों का ये मिल जाता है देन काफी सिंपल बन जाता है मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे ओके। मोल फ्रैक्शन फाइंड करने का तरीका सिंपल सा है, X1 इक्वल्स टू N1 अपन N1 प्लस N2। आपके पास जो N1 है वो अभी हमें मिला यहाँ पे 2.20, N2 मिला है 8.375, तो ये होगा 2.20 अपन 2.20 प्लस 8.375 विच इज इक्वल्स टू 2.20 अपन 10.575 एंड द फाइनल आंसर इज 0.208। ये X2 मिला, X1 मिला
एक्स टू विल बी ओके यू कैन फाइंड आउट एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू और ये था 8.375 अपॉन 10.575 और वो आंसर आएगा 0.792 मिलेगा आपको। आफ्टर गेटिंग x1 एंड x2 काफी सिंपल बन जाता है हमें जब p1 फाइंड करना है। p1 इक्वल्स टू वी नो x1 इनटू p x1 हमें मिला हुआ है 0.208 एंड p 25 बार हाउ मच इज 5.2 5.2 इज नॉट आलू बटाका वी हैव टू राइट इट इज बार करेक्ट और नॉट एंड p2 विल बी इक्वल्स टू x2 इनटू p दैट इज 0.792 into 25 okay answer milta hai smiley to barabar hai ki nahi we have one more question from your textbook that's from your exercise 5.4 They said at 0 degree Celsius, the density of a certain oxide of a gas at 2 bar is same as that of dinitrogen at 5 bar. What is the molecular mass of that particular oxide? Let's understand this question. ये question के अंदर उन्होंने जो information दे रखी है, they are saying there are two gases. One gas is certain oxide of a gas. And second is dinitrogen. They said if you keep the temperature 0 degree Celsius, then density is same. Okay, fark ye tha, the oxide gas was kept at 2 bar and the dinitrogen gas is kept at 5 bar and temperature kept constant. Then what is the molecular mass of oxide? So this is the question. Whenever you get a question, always try to interpret in a simple way and try to understand, analyze the question. We have little bit analyzed and then I'll write my two guesses over here. Oxide tha pehle hamare paas. Okay, and the second one was nitrogen. They said temperature 0 degree Celsius. I think so, it's for both. They didn't say ki oxide ke liye alag hai and dinitrogen ke liye alag. Dono ke liye same hi tha. Then they said the pressure of the first gas that was oxide is 2 bar and pressure of dinitrogen was 5 bar. At that time, the density is same. This is important condition. This is what they had given. D1 equals to D2. Then find the molecular mass of unknown oxide gas. M1 iska find karna hai. इसका M2 पता है क्यों बिकॉज दिस इज डाई नाइट्रोजन एन टू एंड डाई नाइट्रोजन एम टू के लिए मॉलिक्यूलर मास होता है 28 ग्राम पर मोल सी वी हैव दिस इक्वेशन पी इक्वल्स टू डेंसिटी रिलेटेड फॉर्मूला ये है डी आर टी बाई एम करेक्ट नॉट सो मे आई यूज दिस लाइक दिस देयर फॉर पी वन इक्वल्स टू D1 RT by M1 and P2 equals to D2 RT by M2. Since दोनों के लिए प्रेशर सेम था इसलिए मैंने TT लिखा है और R obviously दोनों के लिए कॉन्स्टेंट है करेक्ट इफ आई डिवाइड दिस टू देयरफॉर P1 ओवर P2 equals to D1 RT by M1 upon D2 RT by M2. I think so. We do have common RT. It gets cancelled. And this will be simplified in the form of D1 by D2 into M2 by. Correct or not? Now pressure P1 tha. I think so. We have written over here P1 2 bar, P2 5 bar. Let's put it over here. P1 is 2. P2 is 5. ओके आपके पास और एक कंडीशन है डी वन इक्वल्स टू डी टू दे सेड दैट द डेंसिटीज आर इक्वल इफ दिस कंडीशंस आर मेंटेन देन ये बच जाता है खाली
m2 by m1, therefore 2 by 5 molecular mass m2 है 28, m1 find करना है, which will give you m1 equals to 28 into 5 divided by 2, answer will come 70 gram per mole. Correct or not? लिखिए आप इसको. We have one more question from your textbook. That's question number 5.7. 5.7 says over here, what will be the pressure exerted by a mixture of 3.2 gram of methane and 4.4 gram of carbon dioxide contained in a 9 decimeter cube flask? See, they are saying कि एक कंटेनर के अंदर उन्होंने मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर बना दिया, इन दोनों को इसके अंदर डाल दिया. एक के अंदर ओके, आपके पास मीथेन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों का मिक्सचर किया. एंड दे से मीथेन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 होता है, उसका मास है 3.2 ग्राम एंड कार्बन डाइऑक्साइड उसका मास है 4.4 ग्राम. देन अगर इसका वॉल्यूम आपको दे दिया है 9 डेसीमीटर क्यूब, टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, डू नॉट फॉरगेट टू कन्वर्ट इनटू केल्विन, व्हिच इज इक्वल्स टू 300 केल्विन, व्हाट शुड बी द प्रेशर? प्रेशर पूरे गैस का, दोनों का मिक्सचर का पूछ रहे हैं. बहुत ही सिंपल सा तरीका कैसे सोल्व करना चाहिए. मैं एक काम करता हूँ, मिथेन को जरा मैं यहाँ पे ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने जरा यहाँ पे ले लिया. नो, पी इक्वल्स टू पी वन प्लस पी टू, या तो फिर हम ऐसा भी कर सकते एन वन प्लस एन टू आर टी बाई वी. ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया, करेक्ट हो ना? सो देखो, आपके पास वी है टी है, दो चीजें. आर की वैल्यू, आर की वैल्यू अगर नहीं देते हैं तो याद रखना 0.08314 बार डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये याद रखना जरूरी है. आर पता है, आर पता है, टी पता है, वी पता है, क्या चाहिए अभी? एन वन एंड एन टू. आपके पास मैंने आर की वैल्यू आपको दे दी, जरा उसको मैं तो, यहां पे मास दे रखा है दोनों का, मॉलिक्यूलर मास एन वन मिथेन का है 16 ग्राम पर मोल, इसका मॉलिक्यूलर मास, माफ करना मैंने यहाँ पे एन वन लिख दिया, गलत कैपिटल एम वन आएगा, एंड यहाँ पे कैपिटल एम टू, कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम पर मोल. इन दोनों को यूज करके आप एन वन फाइन कर सकते हो, एन टू फाइन कर सकते हो, फिर सब कुछ इसके अंदर डालना है. ओके, कैन यू डू दैट? प्लीज डू दैट फटाफट. चलो आप सोल्व कीजिए. आई बिलीव आप लोगों ने इसको सोल्व किया होगा, एंड जब सोल्व करते तो आपका ये आंसर आना चाहिए 0.2 मोल्स, ये आना चाहिए 0.1 मोल्स, और जब इसके अंदर आप वैल्यूज डालते हो देन फाइनल आंसर आना चाहिए 0.8314 बार. और जब आंसर आता है तो ऑलवेज स्माइली बनाना मत भूलिए. वील कंटिन्यू फर्दर. वी हैव वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, दैट इज 5.8 सेज ओवर हियर, व्हाट विल बी द प्रेशर, ओके, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर व्हेन 0.5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 0.8 बार एंड 2 लीटर ऑफ डाइऑक्सीजन एट 0.7 बार आर इंट्रोड्यूस इन अ वेसल, 1 लीटर वेसल 27 डिग्री सेल्सियस. अच्छा, अभी मैं डेफिनेटली इसको सॉल्व करवाने वाला हूं, लेकिन एक चीज आप जरा समझिए, मैं सॉल्व कर रहा हूं उससे पहले मैं 2 मिनट आपको ये क्वेश्चन देखना है और सोचना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है. तो मैं इसको पॉज कर देता हूं, आप देखिए इसको, बराबर, आप लोग भी देखिए, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन. आई बिलीव आप लोगों ने सोचा होगा, क्या लगा आप लोगों को क्या आएगा इसका आंसर? मेरे इन लोगों को तो नहीं आ रहा, आपको आ रहा है? चलो मैं बताता हूं क्या करना चाहिए. एक सिंपल सी चीज, सबसे पहले ऑलवेज एनालाइज द क्वेश्चन, ऑलवेज एनालाइज द क्वेश्चन.
दे सेड व्हाट विल द प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर. ओके, गैस का मिक्सचर बना रहे मतलब देयर शुड बी एटलीस्ट टू गैसेस. दे हैव गिवन टू गैसेस. पहला गैस 0.5 लीटर ऑफ H2 एट 0.8 bar एंड सेकेंड गैस 2 लीटर ऑफ डाइऑक्सीजन एट 0.7 bar. इन दोनों को इंट्रोड्यूस किया गया, इन दोनों को इंट्रोड्यूस किया गया थर्ड कंटेनर 1 लीटर में. तो आपको सबसे पहले यहां पे समझना है देर वेर टू डिफरेंट कंटेनर्स, डिफरेंट कैपेसिटी, कैपेसिटीज वेर डिफरेंट. इनफैक्ट 3 डिफरेंट कंटेनर्स, दे नेवर हैड द सेम कैपेसिटी. एंड द थर्ड वन, ओके, इसकी भी कैपेसिटी अलग है कुछ. ऐसा था, पहला कंटेनर का वॉल्यूम था 0.5 लीटर. दे रिटन इट ओवर हियर 0.5 लीटर ऑफ H2 एट 0.8 bar. दिस इज अवर हाइड्रोजन गैस. इसका प्रेशर दे रखा है 0.8 bar. दूसरे में उन्होंने डाइऑक्सीजन O2 दिया, इसका वॉल्यूम V2 2 लीटर और इसका प्रेशर था 0.7 bar. इन दोनों को कंबाइन किया और फाइनल वॉल्यूम था इसका 1 लीटर. एंड बोलते हैं कि दोनों का प्रेशर कितना. जब हम ये वाले गैस को, हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पे है इसके अंदर डालेंगे, और ये वाला जो ऑक्सीजन था इसको भी इसके अंदर, फाइनल प्रेशर कितना, इसको अगर सोल्व करना है तो कैसे करने का, जरा ध्यान से खाली इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए मेरे साथ. फाइनल पे, फाइनल पे एक चीज जरूरी है कि हमें पता होता कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस डाला गया है उसका प्रेशर कितना है, मतलब pH2 पता होता, और ऑक्सीजन गैस जो डाला गया उसका अगर आपको प्रेशर पता होता देन फाइनल प्रेशर P = क्या होता, pH2 + pO2. ये कर सकते थे, मतलब जो हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं तब उसका प्रेशर क्या ऊपर था उतना ही रहेगा, वो सोचना है कि चेंज होगा, चेंज होगा. एंड जब ऑक्सीजन इसमें डाल रहे तो उसका प्रेशर भी क्या यहाँ पे दिया था उतना ही रहेगा, नहीं, कितना चेंज होगा. तो जरा 2 मिनट हम स्टेप बाय सोचते हैं. सोचने के लिए बहुत सिंपल सी चीज करने वाले, ओके, बहुत ही सिंपल सी चीज. पहले एक काम करता हूँ, सपोज मैंने इसके अंदर ऑक्सीजन डाला ही नहीं है, आई विल कीप माई सेल्फ लिमिटेड टू ओनली, सपोज मैं खाली हाइड्रोजन डाल रहा हूँ तो प्रेशर कितना चेंज होगा. तो यहाँ पे जब वो पहले अपने कंटेनर में था तब वॉल्यूम ये है P1 ये है, दूसरे कंटेनर में डाल रहा तो V1 1 एंड प्रेशर कितना. कांट वी यूज यहाँ पे बॉयल्स लॉ, P1V1 = P2V2. जब हाइड्रोजन को इसमें शिफ्ट करो, सपोज ऑक्सीजन है ही नहीं, तब उसका प्रेशर कितना चेंज हो जाता है, लेट्स फाइंड आउट दैट. सो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अगर मुझे फाइंड करना है इसके अंदर देन आई मे राइट लाइक दिस. एक मिनट जरा मुझे जरा इसका अच्छी वाली पेन यूज कर लेने दो. प्रेशर ऑफ H2 = P1V1 अपॉन फाइनल वॉल्यूम V. उसका इनिशियल वॉल्यूम कितना था 0.5, उसका प्रेशर कितना था 0.8, 0.4 bar, 0.4 bar. अगर आप खाली हाइड्रोजन को शिफ्ट करते तो उसका इतना होता. सेम तरीके से आपको यह सोचना है कि इसके अंदर खाली अगर मैं ऑक्सीजन को शिफ्ट करता, हाइड्रोजन को नहीं, व्हाट एम आई गोइंग टू डू, ओनली ऑक्सीजन फ्रॉम हियर. और खाली ऑक्सीजन के लिए हम वापिस ये फॉर्मूला यूज करते दैट प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बनता आपके पास उसका P1V1 / P, तो दैट इज 2 लीटर × 0.7 / फाइनल वॉल्यूम है 1.
इसका 1.4, ये इन दोनों को आप कंबाइन कर रहे हो, देन व्हाट शुड बी द प्रेशर, फाइनल प्रेशर? ओके, फाइनल प्रेशर विल बी इक्वल्स टू, फाइनल पी इक्वल्स टू पी एच टू प्लस पी ओ टू, 0.4 प्लस 1.4 आंसर मिलता है। स्माइली करना मत भूलिए, या तो आपके मुंह पे स्माइली आना चाहिए बड़ा वाला, या तो इस पे, करेक्ट ऑनर। वी हैव वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। दिस क्वेश्चन सेज द डेंसिटी ऑफ ए गैस इज फाउंड टू बी 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस एट ए 2 बार प्रेशर, व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी एट एसटीपी? आपको यहां पे एक गैस की डेंसिटी दे रखी है ये कंडीशन पे, अगर आप उसको एसटीपी पे लेके जाओगे तो डेंसिटी कितनी होगी? तो देखो इसके अंदर कैसे सोल्व करने का ये क्वेश्चन को, कंडीशन वन ये थी गैस सेम है, चेंज नहीं कर रहे, उसकी डेंसिटी d1 है 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब व्हेन द टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, व्हेन टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस एंड द प्रेशर इज 2 बार, टेम्परेचर t1 विच इज इक्वल्स टू 300 केल्विन एंड प्रेशर 2 बार। Now they are saying if we change the conditions, if we bring it to STP, then what should be its density? ठीक है, तो condition 2, what is its density? That is D2, when pressure STP का मतलब हो गया 1 bar है, STP का मतलब हो गया temperature आपके पास 0 degree Celsius यानी कि दोनों बार गैस सेम है। सी वी हैव दिस फॉर्मूला पी इक्वल्स टू डी आर टी बाई एम। अगर मैं इन दोनों को कंडीशन वन एंड टू में लगाता हूं तो ऐसा बनता है, देयर फॉर पी वन इक्वल्स टू डी वन आर टी वन बाई एम एंड पी टू इक्वल्स टू डी टू आर टी टू बाई एम। See, दोनों कंडीशंस में आर की वैल्यू सेम रहेगी, गैसेस कांस्टेंट चेंज नहीं होने वाला, इवन मॉलिक्यूलर मास चेंज नहीं होने वाला बिकॉज दोनों कंडीशन में गैस तो सेम है, इसलिए मैंने उसको एम वन एम टू नहीं लगाया। चेंज क्या हो रहा है? दोनों के प्रेशर डेंसिटीज एंड टेम्परेचर्स, एंड टेम्परेचर्स। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं देयरफॉर पी वन बाई पी टू तो वो बनेगा डी वन आर टी वन एम अपॉन डी टू आर टी टू बाय एम। सिंस आर एन एम दोनों में एक ही चीज है तो वो कट हो जाएगा, वो बनेगा डी वन टी वन अपॉन डी टू टी टू, करेक्ट ऑर नॉट? हमें फाइन करना था डेंसिटी डी टू, बाकी की वैल्यूज है आपके पास, आई थिंक सो वी डू हैव, लेट सब्स्टिट्यूट ओवर हियर। ओके, कंडीशंस यहां से और यहां से वैल्यूज डालेंगे, सो देयरफॉर प्रेशर पी वन था हमारे पास 2 बार, प्रेशर पी टू बन जाता है 1 बार, यहां पे प्रेशर पी वन एंड पी टू। ओके, डेंसिटी डी वन है आपके पास 5.46, डेंसिटी डी वन कितनी है आपके पास 5.46, टेम्परेचर टी वन है आपके पास 300 केल्विन, D2 we need to determine and temperature T2 है 273, correct? मैं क्या करूंगा, इन दोनों को exchange करूंगा, therefore D2 equals to, I don't think so we need calculator over here. अब जरा ध्यान से देखोगे तो because क्या होता है 2 into 273 gives you 546 and 5.46 ना 546 जाएगा वो बन जाएगा 0.01, उसको 300 से मल्टीप्लाई करोगे फाइनल आंसर आएगा 3,
हेंस डी टू इक्वल्स टू 3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ये मिलता है आंसर। आंसर आता है तो बड़ा सा स्माइली तो आना ही चाहिए। वी हैव वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओवर हियर एंड दैट्स क्वेश्चन नंबर 5.10। इट सेज ओवर हियर दैट 34.05 मिलीलीटर ऑफ फॉस्फरस वेपर वेज 0.625 ग्राम। व्हाट डज मीन बाय दिस 34.05 मिलीलीटर? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? दैट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द गैस हैज बीन गिवन टू यू, वेट हैज बीन गिवन टू यू एंड टेम्परेचर इज 546 डिग्री सेल्सियस and 0.1 bar pressure. They are asking what should be the molar mass. I think so we can use this simple sa formula, PV equals to nRT, which is equals to PV equals to weight upon molecular weight RT. Aapke paas dekho pressure diya hai, volume diya hai, but you need to be careful when you are giving volume over here, it has to be converted into liter. Okay, वेट दे रखा है, इट्स बीन गिवन, टेम्परेचर इज बीन गिवन, बट केयरफुल इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन। प्रेशर दे रखा है, आप इन सबको डाल दोगे, पी है, वी है, डब्ल्यू है, आर है, टी है, एम पता चल जाएगा। ओके, तो आपको करना क्या है, यू आर गोइंग टू डू दिस सम, ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू डू दिस सम, इवन इंक्लूडिंग हु आर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, यू हैव टू डू, मैं खाली सी आपको हिंट दे रहा हूँ, सिंपल सी चीज, आप यहाँ पे गिवन लिख लीजिए, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, ओके टी क्या है, मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, और आर की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 0.08314। रिमेंबर डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट, बार लीटर, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। ओके, प्लीज डू दैट एंड गेट मी द आंसर। अगर आपने सॉल्व किया है तो आंसर आना चाहिए ये आपका 1250 ग्राम मोल। अगर नहीं है तो आप जरा इसको स्टॉप करके जरा शांति से देख लेना, विल कंटिन्यू फर्दर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question over here, calculate the total pressure in a mixture of 8 gram dioxygen and 4 gram dihydrogen confined in a vessel. आपको उन्होंने क्या किया हुआ है इस बार कि एक कंटेनर दिया हुआ है एंड दैट कंटेनर इज ऑफ 1 लीटर आई थिंक सो यप हाँ 1 डेसीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 1 लीटर बराबर है कि नहीं और उन्होंने बताया कि 1 डेसीमीटर क्यूब का एक कंटेनर है इसके अंदर इन्होंने डाल रखे एक तो हाइड्रोजन गैस और दूसरा डाल रखा है डाई ऑक्सीजन गैस दोनों को कंबाइन किया हुआ और डाई ऑक्सीजन गैस इतना दे रखा है ये इतना दे रखा है 1 डेसीमीटर क्यूब दे रखा है आर दे रखा है व्हाट इज द फाइनल प्रेशर सिंस आप लोग करने वाले हो इसलिए मैं खाली इतने में छोड़ दिया इसी टाइप का एग्जाम मैंने आगे करवाया करना क्या चाहिए मालूम है आपको हिंट दे देता हूँ दो दो गैस है आप लिखिए गैस नंबर 1 गैस नंबर 2 दोनों के मास दे रखे हैं दोनों के मॉलिक्यूलर मास आपको पता है हाइड्रोजन का 2 होता है इसका 32 लेट्स कंटिन्यू एक का 2 दूसरे का 32 होता है इन दोनों से आप फाइंड करोगे दोनों के मोल्स मोल्स फाइंड करने के बाद आपको फाइनल प्रेशर फाइंड करना है तो वी नो अगर दो गैसेस को डालते हो आपके पास ओके N1 पता चल जाएगा N2 पता चल जाएगा R पता है T दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है किसका वेट कर रहे हो चलो करो अगर आपने सॉल्व किया तो आंसर आना चाहिए 56.025 बार अगर आपको वैल्यूज डालनी नहीं है तो प्लीज जरा यहाँ पे 2 मिनट रुक के जरा देख लेना विल कंटिन्यू फर्दर We have been given one more question from your textbook. That is 5.17. Calculate the volume occupied by 8.8 gram CO2 gas at 31.1 degree Celsius. Pressure de rakha hai, temperature. Oh, I think this is one of the easiest question which we may have. PV equals to nRT. What we can do is PV equals to nRT, or we may write. V equals to nRT by P or wRT by mv. You put all the values, you will get the answer. Please do that. We have one more question from your textbook, 5.18. 2.9 gram of a gas. We don't know which gas is this.
एंड 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑक्यूपाइड द सेम वॉल्यूम एज अ 0.184 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस एट 70 डिग्री सेल्सियस एंड द सेम प्रेशर, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द गैस? इस बार आपको दो अलग अलग गैस दिए गए. वन गैस दे आर सेइंग वी डोंट नो विच गैस इज दिस, बट दैट गैस हैज दिस मच वेट, दिस मच टेम्परेचर एंड द सेम वॉल्यूम एज ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस, और इतना टेम्परेचर पे, नॉट ओनली सेम वॉल्यूम, प्रेशर भी सेम है. तो हम ऐसे एक काम करें, देखो आपके पास जो दो गैसेस दिए गए, एक तो अननोन गैस था गैस वन, एक कौन सा आपके पास अननोन गैस गैस वन है, एंड दूसरा है नॉन गैस हाइड्रोजन. दोनों के लिए उन्होंने मास दे रखे, ये 2.9 ग्राम था, टेम्परेचर इसका दे रखा है 95 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 95 प्लस 273 विच विल गिव यू 368 केल्विन. एंड हाइड्रोजन गैस के लिए उन्होंने बताया हुआ है 0.184 ग्राम एंड 17 डिग्री सेल्सियस, इसका मास दे रखा है 0.184 ग्राम एंड टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू आई थिंक सो 290 केल्विन. नाउ दोनों का प्रेशर सेम रखा हुआ है, कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा. तो इसका मॉलिकुलर मास कितना, गैस वन का M1 कितना? ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस का मॉलिकुलर मास हमें पता है 2 ग्राम पर मोल. सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, देखो वी नो दिस P इक्वल्स टू MRT बाई MV, या तो फिर ओके V को यहां पे ले लो, PV इक्वल्स टू दिस. नाउ उसका मतलब ये हुआ P1V1 इक्वल्स टू M1RT1 अपॉन कैपिटल M1 एंड P2V2 इक्वल्स टू M2RT2 अपॉन कैपिटल M2. बट वी नो P1V1 इक्वल्स टू P2V2 बिकॉज यहां पे दे रखा था प्रेशर एंड वॉल्यूम आर सेम. ऐसा बताया उन्होंने. सो P1V1 इक्वल्स टू P2V2, उसका मतलब यह हुआ M1RT1 अपॉन M1 इक्वल्स टू स्मॉल M2RT2 अपॉन M2. V2 है ओके, मास ऑफ गैस वन पता है हमें 2.9 है ओके, T1 पता है हमें, M1 फाइंड करना है, मास M2 पता है, T2 पता है, M2 कैपिटल M2 पता है, लेस सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, तो आपके पास ये मिलेगा 2.9. RR कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर T1 था 368, इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है, इसका M2 दिया है 0.184, T2 आपके पास है 290, एंड इसमें यू डोंट नीड टू यूज कैल्सियम आल्सो टू. रीजन मैं समझाता हूँ, ये कैपिटल M1 को सामने लेके जाएंगे, बाकी सबको यहाँ पे लेके जाएंगे, तो इसकी वजह से आपको मिलेगा 2.9 इंटू 2 इंटू 368 डिवाइडेड बाई 0.184 इंटू 290. अगर आप जरा ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे ये कैंसिलेशन कैसे होने वाला है मैं आपको बताता हूँ. 2.9 और 290 कट होने वाला है और आपको मिलने वाला है 100, आई थिंक सो ये कट हो गया. सेम वे ओके, यहाँ पे अगर आप देखते हो 0.184 है, 0.184 टूजा 368 होता है, 184 टूजा कितना होगा 68. तो अगर मैं इन दोनों को काटूंगा तो ये हो जाएगा 0.001 और ये मिलेगा 2. करेक्ट और नॉट, आर यू गेटिंग दैट? उसकी वजह से अभी आपके पास जो बच गया ओके, आई थिंक सो वी हैव कैंसल दिस 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 दिस, बचा हुआ है 2 2, ऊपर नीचे 100 एंड 0.01. करेक्ट और नॉट? विल कंटिन्यू फर्दर. सो उसकी वजह से आपके पास मिला 4 अपॉन 0.1.
40 ग्राम पर मोल. दैट शुड बी द आंसर.